हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडोमैटिक। आज हम आपको बताएंगे कि होममेड रोट्स अपने माइक्रोवेव में हम कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं हमारी रेसिपी। हमने लिया है रवा, ये करीबन 100 ग्राम्स है। फिर हमारे पास है चीनी, ये 50 ग्राम्स है। देन हमारे पास है ड्राई फ्रूट्स, इसमें हमने बादाम एंड काजू लिया है। आप चाहे तो इसमें पिस्ता, अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने लिया है इलायची, ये 4 इलायची है और थोड़ी सी सौंफ यानी बड़ी शोप है। ये हमने लिया है दूध। फिर हमारे पास है खवा, ये करीबन 100 ग्राम्स है। फिर हमने लिया है मैदा, ये 40 ग्राम्स है एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक जार और उसमें हम हमारी सारी चीनी यानी शक्कर को डाल देंगे। हमें इसे पीस कर पाउडर बनाना है। उसके साथ हमने जो ये इलायची ली थी, हम इस इलायची का कवर यहाँ से ऐसे निकाल देंगे और जो अंदर की सीड्स है हमने सिर्फ वो ही लेना है। इसी तरीके से हम अपने चारों इलायची को छील कर उसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी सौंफ और हमने इसे विदाउट वाटर एकदम अच्छी तरीके से पाउडर पीस लेना है। फ्रेंड्स, अब हम इस बोल में अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स को एम्प्टी करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारा रवा, जो भी हमने मेजरमेंट लिया था पूरा। उसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें अपना मैदा। मैदे के बाद हमने खवा लिया था, इस खवा को भी हमने अच्छी तरीके से इसको ऐसे स्मैश करके इसमें डाल देना है। खवा जितना फ्रेश होगा आपके रोट उतने क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। हमने हमारा शक्कर और जो इलायची का पाउडर था वो रेडी किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से रेडी हुआ है और हम उसको पूरा हमारे इस बोल में एम्प्टी कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट, जो हमने तभी निकाल लिया था अपने मेजरमेंट में। ये भी हमने सारा इस बोल में एम्प्टी कर लेना है। फ्रेंड्स, अब इसमें हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, दूध। ये हमने थोड़ा सा दूध ऐड किया है पहले, करीबन 1/4 कप जो हमने निकाल कर रखा था। उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरीके से एक सॉफ्ट आटा की तरह गूंदना है, डोफ तैयार करना है। इस तरीके से हमने हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक डो बनाया है। ये ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। मिल्क ऐड करते वक्त आप केयरफुल रहिए कि थोड़ा थोड़ा मिल्क आपने ऐड करना है। आइए फ्रेंड्स, करते हैं बेकिंग की तैयारी। बेक करने के लिए हमने पहले लिया है ये फॉइल पेपर, इसे हमने रेक्टेंगुलर शेप में कट कर कर लिया है और इसे हम अपनी बेकिंग पैन के ऊपर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट हम अपने पाम्स को घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें से एक सॉफ्ट बॉल निकालकर उसे अपने पाम्स में हल्के से प्रेस करके एक राउंड शेप दे देंगे रोट के लिए। हमने फ्रेंड्स इस तरीके से रोट बनाकर हमारे फॉइल पे प्लेस किया। बस हमने ये आलमंड यानी बादाम को बीच से कट किया था और अब हम इस पे ऐसे प्लेस करेंगे जस्ट फॉर डेकोरेशन। एंड अब हम इसे बेक करने वाले हैं एट 210 डिग्री फॉर 20 मिनट्स। फ्रेंड्स, हमारा टाइम हो गया है, 3 बीप की साउंड आ चुकी है। नाउ लेट्स ओपन एंड सी कि हमारी रोट कैसे हुई है। माशाल्लाह, किस तरीके से रेडी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह कितने लाजवाब रोट तैयार हो चुके हैं। ये हमने घर में अपने माइक्रोवेव में बनाए हैं। प्लीज आप भी इसे ट्राई करें एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। देखिए लॉकडाउन का समय है तो हम बाहर से तो रोट नहीं ला सकते, लेकिन इस मुहर्रम हमने घर के रोट बनाकर इंजॉय किया है। आपको ये कैसा लगा हमें बताना ना भूले। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी और अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। बाय बाय।